भाइयों बहनों, हमारा ध्यान उस प्रभु यीशु मसीह में केंद्रित हो जो इस परम पावन संस्कार के माध्यम से हमारे बीच में विराजमान है। आज ये अनुग्रह का दिन है, हम सबों के लिए आशीष का दिन है, फिर एक बार प्रभु के साथ हाथ मिलाने का दिन है, पश्चाताप करते हुए अच्छे पाप स्वीकार करने का दिन है। वो क्षमा देने वाला प्रभु हम सबों को पापों की क्षमा देगा। पाप स्वीकार के संस्कार के माध्यम से हम अपने पापों के लिए क्षमा प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए आइए हम फिर एक बार उस प्रभु के सानिध्य में आए हैं। धन्यवाद के साथ, सारे आदर सम्मान के साथ उस प्रभु का जय जयकार करें, उसकी स्तुति करें, आराधना की गीत के साथ उसकी महिमा करें। देते हैं अब महान राजा है, महान प्रभु है, दया करने वाले, क्षमा करने वाले, दया से द्रवित होने वाले, अनुकंपा से भरे हुए प्रभु हैं। धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए, आपकी दया की दृष्टि हम सबों पर निरंतर बनी हुई है। आपकी दया की वजह से हम आज के दिन में जो कुछ भी हैं आपके सामने हैं। यदि आप हम पर दया नहीं करते प्रभु, हम अपने पापों में मर जाते। यदि आप हम पर दया नहीं करते, ना जाने हमारा क्या हुआ होता। प्रभु आपकी दया अपार है, आपकी दया असीम है, आपकी दया अनंत है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई भी व्यक्ति उसके भेजे हुए उसके परम पावन पुत्र यीशु मसीह में विश्वास करे, उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। हम सबों का अनंत जीवन प्रदान करने के लिए ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, जो निर्दोष थे, निष्कलंक थे, हर प्रकार के पाप से दूर थे, उसको हम सबों के बीच में मनुष्य के रूप में भेजा। और प्रभु यीशु ने दास का रूप धारण किया, जिससे कि हम सभी पाप करते हुए शैतान के हाथों में दास बने हुए थे, हम सभी लोगों को छुड़ाने के लिए वो दास बने। और हम सबों को उसने सूली पर मरते हुए, मृत्यु को समाप्त करते हुए अपने पुनरुत्थान के द्वारा हम सबों को नया जीवन दिया। जो कोई उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु ने हम सबों के लिए जो प्रायश्चित किया, उस प्रायश्चित का फल मुक्ति हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। सूली पर मरते वक्त, सूली पर दर्दनाक पीड़ा सहते हुए, उन तीन कीलों के बीच में जकड़े हुए यीशु धरती और आसमान के बीच में सूली पर अपने हाथों को फैलाते हुए समस्त मानव जाति के लिए अपने अब्बा पिता से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हुए कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। प्रेमी प्रभु यीशु मेरे लिए और आपके लिए, हम सभी मानव जाति के लिए अपने अब्बा से
सूली पर तड़पते तड़पते विनती करता है, प्रार्थना करता है, याचना करता है। तकलीफों के बीच में उनके मुंह से निकली हुई वो प्रार्थना, कठिनाइयों के बीच में के मुंह से निकली हुई वो प्रार्थना, बहुत सुंदर प्रार्थना, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कितनी महान प्रार्थना है, तकलीफों के बीच में की हुई प्रार्थना महान प्रार्थना होती है। हम लोग तकलीफों को उठाने के लिए कितने कतराते हैं, जरा कभी खड़े होने के लिए बताते हैं हम खड़े होने के लिए संकोच करते हैं, घुटने टेकने के लिए बताते हैं घुटने टेकने के तंग संकोच करते हैं, हाथ ऊपर उठाने के लिए हम बोलते हैं हाथ ऊपर उठाने के लिए संकोच करते हैं, हम प्रभु की स्तुति करने के लिए बताते हैं प्रभु की स्तुति करने में कितने कतराते हैं। दृष्टि डालिए भाइयों बहनों उस प्रभु की ओर, कल्पना करते हुए दृष्टि डालिए कम से कम उस कलवारी की ओर जहां प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति को पाप की दास्ता से छुड़ाने के लिए उस तीन खीलों के बीच में जकड़े हुए थे, उनके हाथ और उनके पैर उनका पूरा शरीर सूली पर ठोंक दिया गया था, उस दर्द के बीच में, उस वेदना के बीच में, उस तकलीफ के बीच में, उस परेशानी के बीच में रक्त उनको बह के निकल चुका था, पूरा शरीर कोड़ों के मार खाते हुए चुकना चूर हो चुका था, सिर में कांटों का मुकुट रखा गया था, हर प्रकार से उनका शरीर तोड़ दिया गया था, उसके बावजूद उनके मुंह से निकली हुई प्रार्थना कितनी सुंदर प्रार्थना। देखिए किसी के प्रति उन्होंने गुस्सा व्यक्त नहीं किया, किसी को अपशब्द नहीं कहे, बल्कि उस तकलीफ के बीच में जब परिस्थिति विपरीत थी उस वक्त भी हमारे प्रभु यीशु मसीह जो अपने जीवन काल में लोगों को सिखाया था एक दूसरे से प्यार करो, दुश्मनों के लिए प्यार करो, जो सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, प्रभु प्रैक्टिकल करके दिखाता है प्यार करने का तात्पर्य क्या है, किस हद तक प्यार करना चाहिए। सच्चा प्यार मौत में समाप्त, प्रभु यीशु मसीह मरता है मेरे लिए आपके लिए, और प्रभु कहता है इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं, अपने प्रेम अपने मित्र के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे। हम सबों के लिए प्रभु यीशु ने जान कुर्बान कर दी, उस कीलों के बीच में तड़पते तड़पते मरते हुए हम सबों की ओर से अपने अब्बा पिता से माफी मांगी। प्रभु ने कहा पिता इन्हें क्षमा कर, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ये प्रार्थना कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ये कह सकते थे पिता ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह किस हद तक हम सबों को भलीभांति समझते हैं, कल्पना करें हम लोग, प्रभु यीशु मसीह किस हद तक हम सबों को समझते हैं, प्रभु जानते हैं कि हम नहीं जानते हैं, इसलिए माफी मांगी। हम सबों की ओर से प्रभु ने माफी मांगी, अगर प्रभु हमें माफी नहीं देते उस सूली का बलिदान क्रूस का बलिदान व्यर्थ हो जाता, प्रभु ने उस बलिवेदी पर खड़े होके हम सबों के लिए माफी मांगी पिता से, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते। और वही प्रभु यीशु मसीह हम सबों से कहते हैं माफी दो। अगर हमें इस वक्त किसी को माफी नहीं दिया, ये वक्त है भाइयों बहनों उस महान प्रभु के सामने हम उस प्रभु के नाम से माफी दें, चाहे वो हमारे घर परिवार का कोई सदस्य क्यों ना हो, माता पिता से लेकर भाई बहन से लेकर आपके घर का कोई सदस्य क्यों ना, किसी ने हमारे पास हमारे साथ कोई गुनाह किया अपराध किया उनको माफी नहीं दिया है, इस वक्त प्रभु यीशु के नाम से उन्हें माफी दें और उन्हें आजाद कर दें। अगर आपका स्कूल के संबंधित कोई भी व्यक्ति हो, चाहे टीचर हो, चाहे आपके सहपाठी हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी प्रकार से आपके साथ गलती की, गुनाह की, आपको चोट पहुंचाया, दुख दिया, आपको आपको परेशान किया, अगर आपने माफी नहीं दी उसको इस वक्त माफी दीजिए यीशु के नाम से। और आपके आस पड़ोस में एक आपके गांव से किसी व्यक्ति ने आपको चोट दिया, दर्द दिया, आपको बदनाम कर दिया, आपको तकलीफ दिया, आपको परेशान किया, उस वजह से आप दुखी हैं, इस वक्त यीशु के नाम से उन्हें माफी दें। यीशु ने आपके आपके लिए माफी मांगी है, यीशु ने आपके लिए माफी मांगी, हम सबों के लिए माफी मांगी है। यीशु के नाम से एक एक व्यक्ति को माफी दें, जो माफी देता है वही माफी ले सकता है, माफी लेने का अधिकार उसी को है जो माफी देता है। प्रभु ने अपने प्रार्थना में सिखाया जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते वैसे हमें भी क्षमा कर, अगर मैं अपने अपराधियों को माफी नहीं देता हूँ, क्षमा नहीं देता हूँ, क्षमा लेने का अधिकारी नहीं हूँ, मैं क्षमा तभी प्राप्त कर सकता हूँ जब मैं क्षमा दे पाऊंगा। जिस किसी को भी मैंने क्षमा नहीं दिया है क्षमा दें और क्षमा प्राप्त करें, यह वक्त है भाइयों बहनों, याद कीजिए अगर इस वक्त
आपने किसी को भी क्षमा नहीं किया, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो आपके जीवन से जुड़ा हुआ, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, यीशु प्रभु के नाम से उस व्यक्ति को क्षमा प्रदान करें। यीशु प्रभु के नाम से कहें, यीशु प्रभु मैं इस व्यक्ति को जिसने हालांकि मुझे बहुत तकलीफ दिया था, बहुत कष्ट दिए, बहुत परेशान किया, बहुत दुखी किया, आज मैं आपको देखते हुए आपके प्यार को महसूस करते हुए मैं इस व्यक्ति को क्षमा प्रदान करता हूँ और इसको आज़ाद करता हूँ। उनको आज़ाद कीजिए, उनको बांध के मत रखिए, क्षमा दीजिए। क्षमा देते वो आज़ाद हो जाएंगे, वो भी आज़ाद हो जाएंगे, आप भी आज़ाद हो जाएंगे, पाप का बंधन कट जाएगा। क्षमा हम प्रदान करें, क्षमा दें और क्षमा लें, ये क्षमा प्राप्त करने का समय है। मुझ पर दया करो, पापियों में माँ पापी मैं, मुझको क्षमा करो। हाथों को सीने में लगा कर रखिए, अपने हाथों को सीने में लगा कर रखिए। यीशु क्रिस्ता मुझ पर दया करो, पापियों में महापापी मैं, मुझको क्षमा करो, पापियों में महापापी मैं, मुझको क्षमा करो। विनम्रता से हम प्रभु के सामने स्वीकार करें, मैं पापी हूँ। जैसे संत पौलुस कहता है, पापी हूँ, महापापी मैं हूँ प्रभु, संत पौलुस कहता है, वो है विनम्रता। हम विनम्र बने, विनीत बने, दीनहीन बने, प्रभु के पास आए, दीनहीन बनते हुए प्रभु के पास आए, प्रभु हमें क्षमा प्रदान करेगा। को मैंने छोड़ दिया, सृष्टि वस्तुओं की मैंने पूजा किया, सृष्टि वस्तुओं की मैंने पूजा किया, सृष्टि कर्ता को मैंने छोड़ दिया, सृष्टि कर्ता को मैंने छोड़ दिया, सृष्टि वस्तुओं की मैंने पूजा किया, सृष्टि वस्तुओं की मैंने पूजा किया। Yeah.
क्षमा करो, मुझको क्षमा करो, मुझको क्षमा करो। प्रभु का वचन कहता है, नबी साइज का ग्रंथ अध्याय एक पद संख्या 18 में प्रभु का वचन कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे, वे किरमिश की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। प्रभु कहता आओ, यानी कि प्रभु कहता है तुम्हारे पाप कितने बड़े क्यों ना हो, कितने ज्यादा क्यों ना हो, मेरे पास आओ, हिम की तरह श्वेत किए जाएंगे, उज्ज्वल किए जाएंगे, सारे पाप के दाग को मिटा दिया जाएगा यदि हम क्षमा मांगते हुए प्रभु के पास जाएंगे। प्रभु तत्पर है, तैयार है, इंतजार कर रहा है हमें क्षमा देने के लिए। वो क्षमा देने वाला प्रभु देर नहीं करता है। यदि तुम अपने अपराधियों के पापों को क्षमा करोगे, वह तुम्हें क्षमा प्रदान करेगा। शर्त यही है, यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे, तुम अपने पापों के लिए क्षमा मांगोगे। यही प्रभु यीशु ने अपनी प्रार्थना में सिखाया। हम विचार करें, अगर अभी भी हमें, अगर हमने किसी को क्षमा नहीं दिया है, यीशु के नाम से क्षमा दे दें। हम जानते हैं निर्दयी सेवक की घटना, दृष्टांत। उसके मालिक ने उसको क्षमा कर दिया था, बहुत सारा ऋण था उसके ऊपर, लेकिन जब वो गया, उसने अपने सह सेवक को क्षमा नहीं किया। थोड़ा सा ऋण के लिए उसने बंदी गृह में डाल दिया। तब जाके जब मालिक को पता चला, मालिक ने इसको बुला भेजा और इसको भी बंदी गृह में डाल दिया। और उस दृष्टांत के आखिरी में प्रभु यीशु ही कहता है, यदि तुम भी अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ वैसे ही करेगा। अलग अलग उदाहरणों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है कि हम सब के सब उस पिता की संतान हैं, भाई और बहन हैं। हमारा कोई दुश्मन नहीं हो सकता, हर कोई उस पिता की संतान है। उसके हाथों के द्वारा रचा हुआ रचना है, बेटे और बेटियां हैं। इसलिए हमें क्षमा देना है, क्षमा लेना है, प्यार मोहब्बत से जीना है। वही प्रभु यीशु का संदेश है। इसलिए आइए इस वक्त हम प्रार्थना करें, मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने मेरे लिए सूली पर कष्ट सहते हुए अब्बा पिता से यह कहते हुए माफी मांगी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानता कि ये क्या कर रहा है। हे प्यारे प्रभु, हम भी अपने जीवन में इन्हीं शब्दों को दोहराते हुए उन तमाम लोगों को, उन सारे लोगों को क्षमा दे सकें जिन्होंने हमें किसी ना किसी प्रकार से दुख दिया है, तकलीफ दिया है, हमारा बदनामी की है, हमें चोट पहुंचाई है, अलग अलग प्रकार से हमें दुखी किया है। उन सभी लोगों को यीशु प्रभु आपके नाम से इस वक्त हम क्षमा प्रदान करते हैं, उन्हें क्षमा देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपके नाम से मैं उन सारे लोगों को क्षमा देता हूँ, जिससे कि मैं इस वक्त आपसे पूर्ण रूप से क्षमा प्राप्त कर सकूं, दया प्राप्त कर सकूं। हे प्यारे यीशु, आपकी दया की दृष्टि
मुझ पर रहे, आपकी दया की दृष्टि मेरे परिवार पर रहे, आपकी दया की दृष्टि मेरी बीमारी पर रहे, आपकी दया की दृष्टि मेरे तकलीफों पर रहे। हे प्यारे यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरा जय जयकार हो, तेरा गुणगान हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने अपने शब्दों से प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 यीशु 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 यीशु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। माफी देने के लिए धन्यवाद प्रभु, क्षमा करने के लिए धन्यवाद। हमारे अनगिनत पापों को तो माफ कर देता है, हमारी प्रार्थना को अनसुना नहीं करता, हमारी प्रार्थना को सुनते हुए प्रभु आप हमें उत्तर देते हैं। प्यारे प्रभु, जो आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपका जय जयकार। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र आत्मा के हमें गीत गाएं। कर दे